अरे भाई क्या हुआ, तू तो कार लेने वाला था। हाँ भाई कार तो लेनी है, लेकिन सोचा हूँ उससे पहले ना अपना थोड़ा बजट बढ़ा लूँ ताकि सीधा फिर इलेक्ट्रिक कार ही खरीद सकूँ। अभी भाई पागल हो गया क्या, इलेक्ट्रिक कार कितनी महंगी होती है, पेट्रोल वेरियंट तो 5-6 लाख महंगी होती है, 5-6 लाख। हाँ मेरे दोस्त मैं जानता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ना ईवी का ऑप्शन बेस्ट है। चल तुझे कुछ पॉइंट्स के साथ समझाता हूँ। अब ईवी के सिंपल स्ट्रक्चर और ऑपरेशंस की वजह से उनकी मेंटेनेंस उनके पेट्रोल या डीजल वेरिएंट से काफी कम हो जाती है। अब दूसरा बेनिफिट है लो रनिंग कॉस्ट। अब पेट्रोल डीजल की प्राइसेस कहाँ जा रही है तू तो जानता ही, और ऐसे में ईवी से बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं। जहां पर एक पेट्रोल कार ऑन एवरेज महीने में 5500 रुपए तक का पेट्रोल खा जाती है, वहीं पे एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी ईवी कार सिर्फ 700 रुपए खर्च करवाती है। थर्ड बेस्ट थिंग, ईवी का कार्बन एमिशन निल होता है, और भाई मुझे तो अपने एनवायरमेंट की बहुत फिक्र है। अब सबसे जरूरी बात, सेक्शन 80EB के अंडर अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच में खरीदते हो, तो उसका जो भी इंटरेस्ट अमाउंट होगा ना, उस पे 1.5 लाख तक के आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है। तो तेरा भाई टैक्स भी बचाएगा।